नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बेंगलुरु सिटी जंक्शन से हफ्ते में एक दिन चलती है। हर बृहस्पतिवार को ये ट्रेन जो है बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होती है। और ये जो ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर है 15227। ये ट्रेन 48 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर तक। इससे पहले ये जो ट्रेन है यशवंतपुर से चलती थी, अब जो है ये SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से चलती है। और इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं, 2701 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है, और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। आगे बात करेंगे इसके रूट मैप के बारे में। ये जो ट्रेन है बेंगलुरु से स्टार्ट होती है, बाद में जुलारेपट्टी जंक्शन चेन्नई के पेरम्बूर होते हुए विजयवाड़ा जंक्शन में पहुँचती है, फिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जंक्शन, फिर उड़ीसा में खुर्दा रोड जंक्शन भुवनेश्वर होते हुए ये ट्रेन जो है खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, फिर मालदा टाउन कटिहार होते हुए ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसका फर्स्ट AC का बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 5855 रुपये, जिसमें 5516 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 280 रुपये के करीब है, और टोटल चार्जेज जो है वो है 5855 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। सेकंड AC के कोच भी हैं, जिसका बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 3420 रुपये, जिसमें 3207 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 163 रुपये है, टोटल किराया 3420 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 2330 रुपये, जिसमें 2180 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 111 रुपये है, टोटल किराया जो बनता है वो है 2330 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। स्लीपर क्लास के तकरीबन 6 कोच हैं, जिसमें GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। बेंगलोर से मुजफ्फरपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 810 रुपये, जिसमें 870 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल चार्जेस जो है वो है 890 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है जनरल रिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं, जिसका किराया 650 रुपये के करीब है, जो कि बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक का बता रहा हूँ। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही डायरेक्टली जो चार्जेस जो है पे करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं बेंगलोर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से, जिसे पहले KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन जाना जाता था, यहां से ये ट्रेन जो है हर बृहस्पतिवार को रात को 12:30 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और इसके तकरीबन 36 स्टेशन से 48 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है बेंगलुरु का ही कृष्णा राजापुरम, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 12:43 पे पहुंचती है और 12:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भंगारापेट जंक्शन में रात के 1:28 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 60 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जुलारेपट्टी जंक्शन तमिलनाडु में ट्रेन जो है रात के 3:25 पे पहुंचती है और 3:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 135 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कटपड़ी जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 4:50 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अराकोनम जंक्शन
तमिलनाडु में सुबह 5:58 पर पहुँचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:05 पर पहुँचती है और 5 मिनट बाद 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 345 किलोमीटर की दूरी जो है बेंगलुरु से यहाँ तक पेरम्बूर चेन्नई तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई के दूसरे स्टेशन वीओसी नगर में पहुँचती है। यहाँ पर इसका टेक्निकल हॉल्ट है, यहाँ पर सुबह 7:15 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 350 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। आंध्र प्रदेश के पहले स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन में दोपहर के 2:40 पर पहुँचती है और 2:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 775 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BZA। यहाँ पर जासीडी ताम्बरम वीकली एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है राजा मुंद्री रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में शाम के 5:48 पर पहुँचती है और 5:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 924 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिलचर कोयम्बटूर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद SMVT बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो विशाखापट्टनम जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 9:25 पर पहुँचती है और 9:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन रिवर्स होता है, यानी कि इंजन जो है दूसरी दिशा में लगकर चलता है और बेंगलुरु से यहाँ तक की जो दूरी है 1124 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद विजयनगरम जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 10:45 पर पहुँचती है और 10:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। 1185 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के विकाकुलाकुलम रोड पर यह रात के 11:40 पर पहुँचती है और 11:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1255 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है बेंगलोर से यहाँ तक की दूरी और इसका स्टेशन कोड है CHE। इसके बाद आंध्र प्रदेश के आखिरी स्टेशन पलासा रेलवे स्टेशन पे रात के 12:48 पर पहुंचती है और 12:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। 1327 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ओडिशा के पहले स्टेशन ब्रह्मापुर में ये ट्रेन जो है रात के 1:40 पर पहुँचती है और 1:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1402 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BAM। इसके बाद बालूगांव उड़ीसा में ट्रेन जो है रात के 2:27 पर पहुंचती है और 2:29 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1477 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसके बाद यह ट्रेन जो है खुर्दा रोड जंक्शन उड़ीसा में रात के 3:40 पर पहुँचती है और 3:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:10 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1566 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कटक जंक्शन उड़ीसा में सुबह 5 बजे पहुँचती है और 5:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। शालीमार वास्को डी गामा अमरावती एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। 1596 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। झाजपुर खोइंजा रोड में ट्रेन जो है सुबह 6 बजे पहुंचती है और 6:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1665 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भद्रक रेलवे स्टेशन ओडिशा में ट्रेन जो है सुबह 6:45 पर पहुंचती है और 6:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1709 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बालासोर उड़ीसा में ट्रेन जो है सुबह 7:31 पर पहुंचती है और 7:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BLS। इसके बाद खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 9:10 पर पहुँचती है और 9:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1887 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। धनकुनी जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 11:36 पर पहुंचती है और 11:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2007 किलोमीटर के करीब जो है बेंगलोर से यहाँ तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है।
भोलपुर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 1:17 पर पहुंचती है और 1:19 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। 2138 किलोमीटर की दूरी जो है बेंगलोर से यहां तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रामपुर हाट पश्चिम बंगाल में दोपहर के 2:18 पर पहुंचती है और 2:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2200 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पाकुड़ झारखंड में ट्रेन जो है दोपहर के 3 बजे के करीब पहुंचती है और 3 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 2251 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मालदा टाउन पश्चिम बंगाल में शाम के 5:10 पर पहुंचती है और 5:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 2319 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कुमेदपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में शाम के 6:08 पर पहुंचती है और 6:09 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2380 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कटिहार जंक्शन बिहार में पहुंचती है शाम के 7:30 पर और 7:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2411 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नवगछिया रेलवे स्टेशन पे रात के 8:28 पर पहुंचती है और 8:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2470 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खगड़िया जंक्शन उत्तर प्रदेश खगड़िया जंक्शन बिहार में रात के 9:28 पर पहुंचती है और 9:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2536 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रात के 10:01 पर पहुंचती है और 10:03 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इसके बाद बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में रात के 10:35 पर पहुंचती है और 10:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2598 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। समस्तीपुर जंक्शन बिहार में रात के 11:40 पर पहुंचती है और 11:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2650 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में रात के 1:10 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 2700 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।